आज सोमवार 16 अक्टूबर 2023 को सुबह 11:30 पर कर्नाटका वेटरनरी एनिमल एंड फिशरीज साइंसेज यूनिवर्सिटी बीदर की ओर से यूनिवर्सिटी ऑडिटोरियम बीदर में 13वां कॉन्वोकेशन आयोजित किया गया। इस कॉन्वोकेशन की अध्यक्षता कर्नाटका के राज्यपाल व यूनिवर्सिटी चांसलर श्री थावरचंद गहलोत ने की। डॉक्टर आरसी अग्रवाल डिप्टी डायरेक्टर जनरल इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च नई दिल्ली मुख्य अतिथि रहे, जबकि एनिमल हस्बेंड्री व सेरिकल्चर मंत्री व प्रोफेसर चांसलर यूनिवर्सिटी के वेंकटेश और प्रोफेसर केसी वीरन्ना वाइस चांसलर बोर्ड ऑफ मैनेजमेंट मेंबर एकेडमिक काउंसिल और समर्पित संकाय सदस्य और मीडिया ग्रेजुएट्स और उनके परिजन के अलावा भारी संख्या में पुरुष व महिलाएं इस कन्वोकेशन में उपस्थित रहीं। इस अवसर पर यूनिवर्सिटी के छात्रों को मेडल्स और दूसरे पुरस्कार भेंट किए गए। इस भव्य कन्वोकेशन को श्री थावरचंद गहलोत के हाथों छात्र छात्राओं में गोल्ड मेडल्स दिए गए। इस अवसर पर कुछ के हिस्से में 5 गोल्ड मेडल्स तो किसी के हिस्से में 4 गोल्ड मेडल्स आए। इससे भी आश्चर्य की बात यह रही कि एक छात्र रघुवंश ने इस अवसर पर 16 गोल्ड मेडल्स प्राप्त करके रिकॉर्ड बनाया। 100 से ज्यादा गोल्ड मेडल्स लेने वाली महिलाओं और 16 गोल्ड मेडल्स लेने वाले छात्र रघुवंश से केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयवर्गीय ने बात की और उनको मिलने वाले मेडल्स के बारे में जानकारी। केपी न्यूज के एंकर आयुषी विजयवर्गीय और कैमरामैन कृष्णा का कवरेज। कर्नाटक राज्यदे जानवर संख्य 29 मिलियन आगे इन 2012 ना जानवर गणती शेकड़ा 4.70% कुरी संख्य 15.10 मेकर संख्य शेकड़ा 28.63% वर्ष राज्य आदाय सुधार कृषि उठा ನಮ್ಮ ರೈತರ ನಷ್ಟವನ್ನು ನಿವಾರಿಸಲು ಪಶುಸಂಗೋಪನೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಕೃಷಿಯು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯವು ಸುಮಾರು 300 ಕಿಲೋಮೀಟರ್ಗಳಷ್ಟು ವಿಶಾಲವಾದ ಕರಾವಳಿ ಭೂ ಪ್ರದೇಶವನ್ನು ಹೊಂದಿದ್ದು ಇಲ್ಲಿ 25 ಲಕ್ಷಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಕುಟುಂಬಗಳು ನೇರವಾಗಿ ಮೀನುಗಾರಿಕೆ ಮತ್ತು ಮೀನು ಸಂಸ್ಕರಣಾ ಚಟುವಟಿಕೆಯನ್ನು न केवल वैज्ञानिक तरीकों से करने की आवश्यकता है बल्कि दुग्ध उत्पादक एवं रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने के लिए हर्बल पौधे जैसे लेमन ग्रास शतावरी आदि को भी नियमित प्रयोग में लाने की आवश्यकता है। इस दृष्टिकोण से भी आप विचार करने का प्रयास करें। पशु विशेषज्ञ किसानों एवं पशुपालकों के बीच समन्वय स्थापित कर नवीनतम वैज्ञानिक तकनीकों का आदान प्रदान कर दुग्ध व्यवसाय को उद्योग के रूप में स्थापित किया जा सकता है। मेरी अपेक्षा है आप दिशा में बड़ा प्रयास करेंगे। इस क्षेत्र में प्रगति ने हमें दुनिया भर में सबसे बड़ा दुग्ध उत्पादक देश बनाया है। वैश्विक परिदृश्य में कृषक समुदाय की उभरती चुनौतियों और कार्यप्रणाली में लाए जाने वाले परिवर्तनों पर विचार करने की वर्तमान में आवश्यकता है। मैं सोचता हूँ आप इस पर विचार करके अनुसंधान करके कोई अच्छा रास्ता निकालेंगे। कृषि उत्पादकता में वृद्धि, किसानों की आय में वृद्धि, ज्ञान के स्तर में सुधार और प्राकृतिक संसाधनों का उपयोग, जैव विविधता संरक्षण, जलवायु परिवर्तन, स्वदेशी प्रणालियों पर ध्यान केंद्रित करने आदि पहलुओं को ध्यान में रखते हुए कृषि व्यवसाय उद्यमिता का विस्तार करने पर जोर दिए जाने की आवश्यकता। बीदर के वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंदर आज दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया और इस दौरान जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किए उन्हें राज्यपाल ने यानी कि राज्य के महामहिम ने सम्मानित किया, गोल्ड मेडल्स उन्हें प्रदान किए। तो वहीं कई ऐसे स्टूडेंट हैं जिनके खाते में 1 से ज़्यादा गोल्ड मेडल गए हैं। आपके खाते में 5 गोल्ड मेडल गए, कैसा लग रहा है आज राज्यपाल खुद यहाँ पर आए आपको सम्मानित किया? एक्चुअली आई एम वेरी हैप्पी थैंक्स टू द सपोर्ट ऑफ माय पेरेंट्स माय हस्बैंड माय किड्स। एक्चुअली माय एल्डर डॉटर शी इज स्टडीइंग इन फर्स्ट पीयूसी, माय यंगर
younger doctor, she is studying in 8th standard. Very great support from my family because taking 5 gold medal is not a small thing. Maintaining family, I am supporting. I am very much thankful to my guide, Dr. Malti V. बिल्कुल, एक बार आपका पूरा नाम भी बता दीजिए और किस किस फील्ड में आपको गोल्ड मेडल मिला है, जरा वो भी जानकारी दे दीजिए। एक्चुअली आई गॉट 5 गोल्ड मेडल्स इन द डिपार्टमेंट ऑफ पोल्ट्री साइंस एमयूएससी। माय नेम इज़ डॉक्टर श्यामला बिहार। आई एम प्रेजेंटली वर्किंग इन शीप बोर्ड चीफ वेटनरी ऑफिसर शीप बोर्ड डिपार्टमेंट ऑफ H&VS। दिस इज़ माई 16th ईयर ऑफ सर्विस। सुपर, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपके बारे में भी जानना चाहूँगी, आपका नाम और जो ये 4 गोल्ड मेडल आज आपको मिले हैं, तो कौन कौन से सेक्टर में आपको गोल्ड मेडल मिले? या आई एम डॉक्टर अनीता श्रीराम। टुडे आई वुड लाइक टू थैंक ऑल माई डी एंड माई गाइड, माई पेरेंट्स, माई डॉटर स्पेशली, बिकॉज ऑफ विच आई वुड एबल टू सिक्योर दिस गोल्ड मेडल्स। आई गॉट दिस गोल्ड मेडल्स इन मास्टर ऑफ वेटनरी साइंस इन द स्ट्रीम ऑफ पोल्ट्री साइंस। सो वेरी हैप्पी टू गेट द अवार्ड, आई मीन 4 गोल्ड मेडल्स ड्यूरिंग दिस नवरात्रि। आई फील वेरी ऑस्पिशियस एंड ब्लेस्ड। क्या बात है, नवरात्रि के दौरान माँ तारानी ने खुद आपका आशीर्वाद दिया है, तो ऐसे में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनको भी एजुकेशन की शक्ति मिले, उसके लिए क्या कहना चाहेंगे? या विमेन, लाइक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट फॉर विमेन टू बी एम्पावर्ड। बिफोर दैट, टू गेट द एम्पावर्ड, एजुकेशन इज मेन इंपॉर्टेंट। सो आई प्रे द माँ गॉड इज दुर्गा माता टू एम्पावर ऑल द स्ट्रेंथ, ऑल द वॉट फैसिलिटीज टू ऑल द गर्ल किड्स टू गेट एजुकेटेड एंड एम्पावर्ड एंड बी सेल्फ इंडिपेंडेंट। तो देखिए, नवरात्रि का खास मौका और ऐसे में बीदर वेटरनरी यूनिवर्सिटी के अंदर दीक्षांत समारोह, यहाँ पर भी हमने देखा कि अमूमन महिलाओं की संख्या ज़्यादा रही जिन्होंने गोल्ड मेडल हासिल किया, और यहाँ से एक बहुत बड़ा संदेश सभी को मिला। कर्नाटका वेटरनरी यूनिवर्सिटी का जब आज 13वां दीक्षांत समारोह आयोजित हुआ, तो ऐसे में एक नाम जो सबसे ज़्यादा चर्चाओं में रहा, वो इस वजह से क्योंकि उन्होंने अपने नाम 16 गोल्ड मेडल किए, और वाकई में एक गोल्ड मेडल हासिल करना बहुत बड़ी बात होती है। ऐसे में 16 मेडल अपने नाम किए हैं राघवेश ने, बहुत बहुत बधाइयाँ, बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू। कैसा लग रहा है 16 गोल्ड मेडल हासिल करना, और इसके लिए जो सफर रहा वो कितना चैलेंजिंग रहा? एक्चुअली आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी एंड एक्साइटेड आल्सो। एक्चुअली आई वाज एक्सपेक्टिंग गोल्ड मेडल्स बट नॉट 16 गोल्ड मेडल्स। सो एट दिस मोमेंट आई वुड लाइक टू थैंक माय टीचर्स, माय पेरेंट्स एंड माय फ्रेंड्स हु सपोर्टेड मी ऑल अलॉन्ग माय जर्नी। सो एक्चुअली आई ऑलरेडी टोल्ड अवर्स वाज द फर्स्ट बैच ऑफ अवर वेटरनरी कॉलेज गदक। व्हाइल जॉइनिंग आई वाज वेरी कंफ्यूजिंग दैट व्हाट इट विल बी लाइक, इट्स अ न्यू कॉलेज, वेदर देयर विल बी फैसिलिटीज और नॉट, बट आवर टीचर्स really helped me a lot and their support was immensely very great and very great. I'm very grateful to them for their support. Just because of them I am here now. कौन कौन से सब्जेक्ट्स में आपको ये गोल्ड मेडल? एक्चुअली देर आर टोटली 33 मेडल्स फॉर यूजी स्टूडेंट्स, अमंग देम आई गॉट 16 मेडल्स, सो आई एम फीलिंग वेरी हैप्पी नाउ। सुबह भाभी, और हैप्पी फील करना ज़रूरी भी है। समय क्या फ्यूचर गोल्स आपके हैं, क्या प्लानिंग है फ्यूचर को लेकर? एक्चुअली करेंटली आई एम परस्यूइंग माय एमवीएससी एट इंडियन वेटनरी रिसर्च इंस्टीट्यूट बरेली। आई वांट टू बी एन एग्रीकल्चर रिसर्च साइंटिस्ट। क्या बात है, इनके पेरेंट्स भी हैं, मम्मी भी है, फादर भी है, और आई थिंक ये हमेशा साथ रहते हैं, इसी वजह से इतने मेडल्स आपने अचीव किए। डेफिनेटली इट्स आल्सो वन ऑफ द रीजन। बेटा जब अच्छा करता है तो पिता को गर्व अपने आप महसूस हो जाता है, तो उनको क्या कहना चाहेंगे? ತುಂಬಾ ಖುಷಿ ಆಗ್ತದೆ, ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ, ವೆರಿ ವೆರಿ ಹ್ಯಾಪಿ। ನಾಗಮ್ಮ, ನಾಗಮ್ಮ ಅವರ जब बेटा इतनी मेहनत करता तो लगता था कि इतने मेडल आ जाएंगे घर पे एक साथ। तुम्बा खुशी आगता है, तड़क आगती लास्ट खुशी आगता है। जो सर गोल्ड ज्वेलरी दिलाते उससे ज्यादा खुशी आज हो रही है, नहीं हो रही है? खुशी आगे दुड खुशी नमगे। तो देखिए, खुशियों का माहौल है और वाकई में होना भी चाहिए, तो ऐसे में हम भी राघवेश को बहुत सारी बधाइयां देते और उम्मीद करते हैं इसी तरीके से वो आने वाले वक्त में और भी स्टूडेंट्स को प्रेरित करे। वीडियो जर्नलिस्ट कृष्णा के साथ आयुषी विजयवर्गीय, केपी न्यूज़ पीदर।